नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर जिले भर में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। योग गुरु ने कहा, शरीर और मन स्वस्थ रखने के लिए योगाभ्यास जरूरी। टीएमबी के अधिकारियों ने करे योग रहे निरोग का दिया संदेश। एनएसएस शिविर में दलित समाज की महिलाओं ने किया योगाभ्यास। भागलपुर पुलिस ने दो डकैती कांड का किया उद्भेदन। लूटे गए सामान के साथ 8 अपराधी गिरफ्तार। पानी को लेकर हुए विवाद में बदमाशों ने युवक को मारी गोली, हालत गंभीर। और शिक्षक की मनमानी से परेशान ग्रामीणों ने प्रखंड मुख्यालय में दिया धरना। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश अनुसार मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा के अध्यक्ष शिव गोपाल मिश्र, फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश हेमंत कुमार त्रिपाठी, डालसा के प्रभारी सचिव ADJ 4 राजकुमार चौधरी और ADJ 1 समेत कई न्यायिक पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं इसके बाद जिला जज समेत सभी न्यायिक पदाधिकारियों और न्यायालय कर्मियों ने डालसा भवन में प्राणायाम, अनुलोम विलोम समेत विभिन्न प्रकार का योग किया और आम लोगों को भी बेहतर स्वास्थ्य के लिए योग के प्रति जागरूक होने का संदेश दिया। जिला जज शिव गोपाल मिश्र ने कहा कि अपने दैनिक जीवन में अन्य कार्यों की तरह योग को भी प्राथमिकता देने की जरूरत है, जिससे शरीर के साथ मानसिक रूप से भी मजबूती मिलती है। योग का कार्यक्रम पूरे विश्व ने इस योग दिवस को अपनाया है, भारत सरकार के ही प्रयासों से, और ये हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग रहा। थोड़े दिन से कुछ ये अछूता रहा, तो अब ये फिर से पुनः एक जागृत हुआ इस पद्धति को। और ये पद्धति देखिए, अपने जीवन को भी पॉजिटिव, जो भी आपके सकारात्मक विचार हैं, इसको करने से यदि आप लगातार 3 महीने करते रहें मिनिमम, तो इतना ज़रूर है कि आपके जो चिंतन में जो नकारात्मकता है वो दूर हो जाएगी, शरीर आपका फिट रहेगा। तो ये सबको करने के लिए है, किसी भी उम्र का व्यक्ति करे। हाँ, शुरुआत में किसी से पूछ ले कि कैसे करना है, तो ये आप निश्चित है कि जब आप पॉजिटिव विचारों से रहेंगे तो आप कुछ ना कुछ अपने समाज को देंगे, अपने पड़ोस को देंगे। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य कार्यक्रम विश्वविद्यालय के इंडोर स्टेडियम में हुआ, जिसमें विभिन्न कॉलेजों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। वहीं TMU के DSW प्रोफेसर राम प्रवेश सिंह ने कार्यक्रम में उपस्थित स्वयं सेवकों और NSS के अधिकारियों को योग से संबंधित जानकारी दी। उन्होंने योग दिवस में हिस्सा लेने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित किया। साथ ही कहा कि योग हमारी संस्कृति की पहचान है, ऐसे में हमें नियमित रूप से योग करना चाहिए। जबकि NSS के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार ने कहा कि योग के माध्यम से उत्साह और आशा का संचार होता है, इसलिए योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। उन्होंने जानकारी दी कि योग करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है और इससे बीमारियां भी दूर हो रहती है। उन्होंने स्वयं सेवकों को जीवन में खुश और स्वस्थ रहने के लिए योग के महत्व के बारे में विस्तार से बताया। वहीं 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर NSS के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर सुमन कुमार, डॉक्टर अंबिका कुमार, डॉक्टर सीता भगत, डॉक्टर अनिल सिंह और डॉक्टर संजय जायसवाल ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में नगमा, निखिल शाह, मूलचंद समेत कई NSS वॉलंटियर्स मौजूद थे। इधर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भागलपुर BN कॉलेज में दलित समाज की महिलाओं और बच्चों ने भी योगाभ्यास किया। गौरतलब है कि योग दिवस पर BN कॉलेज परिसर में NSS इकाई द्वारा शिविर लगाया गया था, जिसमें योग शिक्षक बी नगमा अनवर के निर्देशन में स्वयं सेवकों को योगाभ्यास करवाया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर नीलू कुमारी एवं कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर अंबिका कुमार के साथ महाविद्यालय के अडॉप्टेड गॉड डोमासी के दलित समाज की महिलाएं और बच्चों ने भाग लिया। सभी महिलाओं ने अपने बच्चों के साथ प्रशिक्षक द्वारा सिखाए गए योगासनों को ध्यानपूर्वक देखा, साथ ही इससे होने वाले स्वास्थ्य संबंधी लाभ की जानकारी भी ली। वहीं दलित समाज की महिलाओं ने योगाभ्यास को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने की बात कही। योग को लेकर BN कॉलेज परिसर से जागरूकता रैली भी निकाली गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज पहले से ही कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं और आज प्रातः जो है विभिन्न कॉलेजों में
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योगाभ्यास किया गया और विशेष करके जो दलित बस्तियां थी या हमारे जो स्लम एरिया थे वहां के बच्चे और लोग आए और उनके साथ मिलकर के योगाभ्यास हुआ प्रातःकालीन। अभी यहां पर जो है यूनिवर्सिटी इंडोर स्टेडियम में हम लोग सभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगाभ्यास के लिए जुटे हुए हैं और इनमें से विभिन्न कॉलेजों के प्रोग्राम ऑफिसर्स, हमारे वॉलेंटियर्स और यूनिवर्सिटी के विभिन्न पदाधिकारी यहाँ पर हैं और हमारे ट्रेनर भी हैं, सब कुछ होगा। और इस पर इस अवसर पर जो है कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, उनमें से हम लोग का जो प्रथम में जो होगा वो सामूहिक योगाभ्यास होगा। इसके बाद पर इस पर चर्चा होगी और दिन भर जो है कुछ न कुछ कार्यक्रम आज के। भागलपुर के आनंद राम ढंडनिया सरस्वती विद्या मंदिर में मंगलवार को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर उत्सवी माहौल में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के शिक्षक शिक्षिका और छात्र छात्राओं के अलावा बच्चों के अभिभावकों और विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों शामिल होकर योगाभ्यास किया। इस दौरान ताड़ासन, सूर्य नमस्कार, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम सहित कई योगासन का अभ्यास कराया गया। आनंद राम ढंडानिया सरस्वती विद्या मंदिर परिवार समस्त देशवासियों को इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता है। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधन, विद्यालय परिवार समस्त राष्ट्र से यह आग्रह करता है कि योग को अपनी नियमित दिनचर्या में शामिल करें, क्योंकि सिर्फ योग ही जीवन में सभी समस्याओं के समाधान के रूप में विकसित हो रहा है और जहाँ योग है वहीं जीवन निरोग है। वही भागलपुर के कुपाघाट स्थित महर्षि मेही आश्रम में विश्व योग दिवस को लेकर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी लोगों से नियमित रूप से योग करने का संकल्प लेने की अपील की गई, जिससे शरीर और मन से स्वस्थ रह सके। समारोह में रविंद्र बाबा, पंकज बाबा, महेंद्र बाबा, महासभा के मंत्री मनु भास्कर समेत आश्रम से जुड़े कई लोग मौजूद रहे। वही भागलपुर IMA हॉल में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान IMA अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार सिंह समेत कई चिकित्सकों ने योग किया और आम लोगों से भी नियमित रूप से योग कर स्वस्थ रहने की अपील की। आज विश्व योग दिवस है और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भागलपुर ब्रांच के सभी डॉक्टर्स यहाँ इकट्ठा हुए हैं और कुछ लोग तो घर में योग करते ही हैं, जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए एक प्रेरणा है और वो करके देखते हैं कि योग से क्या क्या लाभ है। जो ये बहुत ही पुरानी पद्धति रही है योग से अपने शरीर को ठीक रखना, एक तरह का शरीर का एक्सरसाइज है और शरीर का ही नहीं फिजिकल और मेंटल दोनों एक्सरसाइज है। आज जो है भागलपुर IMA की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर हमारे IMA के सदस्यों को यहाँ आमंत्रित किया गया और जिस तरह से आप जानते हैं कि योग जो है बिल्कुल भारतीय पद्धति का ऐसी जीवन शैली है, ऐसा इस तरह का जो है प्रयास है जो अगर आदमी अपने जीवन में इसे उतारता है तो काफ़ी स्वस्थ ही नहीं मन से तन से सारे इससे जो है स्वस्थ रह सकते हैं और जो आदमी मन से भी स्वस्थ है और तन से भी स्वस्थ है वही सही माने में स्वस्थ है। वहीं योग दिवस को लेकर मंगलवार को नवगच्छा के कई हिस्सों में योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। नवगच्छा के इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय प्रांगण में भी योग दिवस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत हरिद्वार में प्रशिक्षित योग शिक्षक से भागलपुर जिला प्रभारी चंद्रिका प्रसाद यादव ने किया। इस दौरान नवगच्छा बाजार के भवानीपुर, तेतरी, पकड़ा समेत कई जगहों पर लोगों ने योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं इस दौरान जानकारों ने बताया कि 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2015 के 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्वीकृति के बाद की गई थी। वहीं इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र सभा में योग दिवस के प्रस्ताव को लेकर कहा था कि योग मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य बनाने के साथ विचार और संयम प्रदान करने वाला है, जिससे बेहतर स्वास्थ्य और समृद्ध दृष्टि की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दौरान PM ने योग से होने वाले लाभ के बारे में दुनिया भर के लोगों को जानकारी दी, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र सभा में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, पतंजलि योग पीठ हरिद्वार की ओर से और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने योग को जन जन तक फैलाने के लिए जो पूरे विश्व स्तर पर इसको स्थापित किए हैं, मैं पहले उस गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने इस योग की विधा को पूरी बीमारियों को हटाने के लिए बिना दवाई का
ये जो लागू किया है, मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीपैती प्रगति मैदान में योग का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं के अलावा समाज के बुद्धिजीवियों और प्रगति स्पोर्ट्स क्लब के सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस दौरान क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधियों ने भी कार्यक्रम में शामिल होकर मुंगेर रिखिया आश्रम के गुरु निर्जानंद के शिष्य संजय कुमार के समक्ष योग किया, जहाँ संजय कुमार ने लोगों को योग के विभिन्न आयामों एवं इससे होने वाले फायदे के बारे में जानकारी दी। इधर सुल्तानगंज में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगर परिषद के विभिन्न इलाकों से पहुंचे लोगों ने योगा अभ्यास किया। इस दौरान योग गुरु ने लोगों से अपना जीवन खुशहाल बनाने के लिए प्रतिदिन योग करने का संदेश दिया। योगा दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी महिला टीम ने यहाँ गायत्री मंदिर में आकर योगा किया है और हम लोग सभी महिला टीम की तरफ से यही संदेश है कि योग करिए, स्वस्थ जीवन जिए। योग करने से कोई भी शरीर में रोग नहीं होगा, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर में बीते कुछ दिनों पहले लूटकांड के दो मामले सामने आए थे, लेकिन इस दोनों कांड के अपराधी पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे थे। लेकिन इसे चुनौती के रूप में लेते हुए भागलपुर पुलिस ने डकैती के दो कांडों का उद्भेदन कर दिया। इसको लेकर मंगलवार को सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोनों मामलों का खुलासा किया, जिसमें अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ कई सामानों की रिकवरी होने की भी जानकारी दी। सिटी एसपी ने कहा कि विगत 6 जून की अहले सुबह बेलखूरिया स्थित टूटा पुल के पास संतोष मंडल और उसके मजदूर एवं पिकअप चालक के साथ मालिक भिखारी यादव से नीचे जनरेटर और पैसे लूट लिया गया था, जिसको लेकर नाथनगर मधुसूदनपुर थाने में अज्ञात अपराध कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। सिटी एसपी ने कहा कि तकनीकी अनुसंधान एवं गुप्त सूचना पर 4 अपराधियों एवं लूटे गए सामान को पुलिस ने बरामद कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्त में रोहित कुमार, घनश्याम कुमार, मोहम्मद सोनम और जावेद इकबाल शामिल है, जिसका आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है। वह इसके अलावा सिटी एसपी सोन प्रभात ने कहा कि गोलसरा चौक घोगा के निकट शंकरपुर पुल के पास बीते सोमवार को ज्ञात अपराधियों द्वारा हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सिटी एसपी ने बताया कि गोल सड़क चौक घोगा के निकट शंकरपुर पुल के पास ज्ञात अपराधियों द्वारा हथियार के बल पर लूटपाट किया गया था, जिसको लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर उनके नेतृत्व में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कहलगांव के अलावा कहलगांव, घोगा और सबौर थानाध्यक्ष की मदद से लगातार छापेमारी की गई। उन्होंने बताया कि इस दौरान पुलिस टीम ने घटना को अंजाम देने वाले 4 अपराधियों के साथ उपयोग में लाए गए मोटरसाइकिल और रुपयों को बरामद कर लिया है, जिसकी पहचान राजा कुमार, करण कुमार, पिंटू कुमार और कृष्ण कुमार के रूप में हुई है। भागलपुर पुलिस द्वारा डकैती के दो मामलों का उद्भेदन किया गया है। एक घटना परसों रात में घोगा थाना अंतर्गत घटित हुई थी। वहाँ पुलिस को सूचना मिली थी कि ट्रक वाले, जो घोगा सबौर रोड है, वहाँ पर ट्रक वालों से कुछ लड़कों ने लूटपाट किया है। तत्काल डीएसपी कहलगांव, थानाध्यक्ष घोगा, थानाध्यक्ष सबौर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और छापेमारी की गई। उसमें 7 लोगों का नाम आया है, उसमें से 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। गिरफ्तार लोगों में एक राजा कुमार उर्फ मचन है, ये घोगा थाना के रहने वाले हैं। इनका काफ़ी लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। ये 392 और 394 के केसेज में 2 बार जेल गए हैं। एक बार धोरैया थाने से गए हैं, एक बार सबौर थाने से गए हैं और एक बार आम सट केस में धोरैया थाने से फिर से गए हैं जेल। इसके अलावा और भी जो लोग हैं, करण कुमार हैं वो घोगा थाने के रहने वाले हैं, पिंटू कुमार हैं जो सबौर थाना के रहने वाले हैं। पिंटू कुमार का भी आपराधिक इतिहास रहा है, पिंटू कुमार आम सट में जेल गया है 2 बार, और कृष्णा कुमार है जो घोगा थाने का ही रहने वाले हैं। और भी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं
उन लोगों की गिरफ्तारी का प्रयास भी किया जा रहा है। घटना में प्रयुक्त पैशन प्रो मोटरसाइकिल थी, उसको भी बरामद किया गया है। जो पैसा लूटा गया था उसमें से करीब 5110 रुपये की बरामदगी की गई है और 5 मोबाइल अलग अलग कंपनियों का है उसकी भी बरामदगी की गई है। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र अंतर्गत सुर्खी कल मोहल्ले में देर रात सौरभ कुमार नामक युवक को अपराधियों के द्वारा गोली मारकर घायल कर दिया। इसके बाद घायल को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना को लेकर सौरभ के दोस्त नितेश ने बताया कि सौरभ जिस लॉज में रहता है उसके मकान मालिक के द्वारा पानी को लेकर विवाद होने के बाद रूम खाली करने की बात पर भी विवाद हुआ था और वह रूम खाली करने वाला था। सौरभ ने कहा कि बीती रात जब लॉज के बाद वापस घर जा रहा था तभी लॉज मालिक के द्वारा 15 से 20 लड़कों को बुलाकर सौरभ के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद बदमाशों ने उसे गोली मारकर घायल कर दिया। साथ ही कहा कि घटना के बाद आसपास के लोगों ने उसे माइगन अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही बरारी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। वहीं सूत्रों की माने तो मारपीट और गोली मारने की घटना किसी अन्य कारण से होने की भी बात कही जा रही है। सौरभ नाम था सर। बात है कि हम फ्रेंड आया था मिलने के लिए, ठीक है सर, तो ये सब जिसके रूम में रहते हैं तो वो लड़का ले बुलाया था, तो कुछ बहस हुआ था तो हम ही सबसे तो वो बोला कि हम लड़का बुलाते हैं मार होगा ऐसी करेगा, तो उधर से 20-30 लड़का एक बजे अंदर घुस गया जा रहा था घर, तो एक बजे इसको ही मार दिया। क्या चीज़ से मारा? अब ये तूने सर लाइट कटा हुआ था, गोली भी चला था जी, एक गोली चला, आवाज़ किया तब हम और मकान मालिक नहीं, मकान मालिक नहीं था तब, कोई बोले तो 15-20 लड़का आया था। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के भिरखूद पंचायत में शिक्षक की मनमानी से परेशान ग्रामीणों ने सरपंच के साथ पूरे गांव का भ्रमण कर प्रखंड मुख्यालय के समक्ष धरना दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि कक्षा लेने के बजाय शिक्षक अटेंडेंस बनाकर स्कूल से निकल जाते हैं जिससे बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती है और इसकी शिकायत कई बार अधिकारियों से भी की गई लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। वह इसको लेकर सरपंच उदित मंडल ने बताया कि उधाडी गाँव के मध्य विद्यालय में शिक्षक समय पर स्कूल नहीं आते हैं जबकि आने के बाद भी हाजिरी बनाकर वापस निकल जाते हैं, जिसकी जानकारी पीआरसी में लिखित आवेदन देकर दी गई लेकिन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। साथ ही कहा कि इससे परेशान ग्रामीण ढोल बाजे के साथ अधिकारी को जगाने के लिए प्रखंड मुख्यालय पहुंचे जहां लापरवाह शिक्षक को हटाने के लिए अपनी आवाज बुलंद की गई। मौके पर काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। जो है पूर्ण रूप से विद्यार्थी को जो है शिक्षक ने पिटाई किया हर क्लास को, इसी के लेकर के हम लोग जो है पदाधिकारी से जो है शिकायत किए थे, पदाधिकारी जांच किया, जांच के उपरांत जो है एक भी टीचर को हटाया नहीं गया। इसके लिए हम लोग जो है प्रखंड में तालाबंदी का भी था लेकिन समिति महोदय के कहने के बाद मैंने तालाबंदी नहीं करेंगे और प्रखंड में हम आज से 11 बजे से अमरन अनशन का जो है दिया गया है, हम लोग अमरन अनशन पर जा रहे हैं। भागलपुर बीएसएनएल महाप्रबंधक कार्यालय परिसर में बीएसएनएल ऑल यूनियन एंड एसोसिएशन की ओर से लंच ओवर में धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। धरना प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने सैलरी और पेंशन रिविजन के साथ कई मांगों को लेकर नारेबाजी की जबकि इसके अलावा जेई के पद को समाप्त किए जाने का विरोध करते हुए कर्मचारियों ने सरकार से अपनी मांग पूरी करने की बात कही। साथ ही कहा कि जब तक केंद्र सरकार और विभाग उनकी मांग पूरी नहीं करेगी तब तक यूनियन के आह्वान पर विरोध प्रदर्शन का दौर जारी रहेगा। इसके अलावा प्रदर्शन कर रहे कर्मियों ने जीएम के कार्यकाल के सीबीआई से जांच कराने और अविलंब कानूनी कार्यवाही करने की मांग की। वहीं बीएसएनएल एनएफटीयू के जिला सचिव सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में कर्मियों ने प्रबंधन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर काली प्रसाद यादव, दिलीप यादव, अरुण कर्ण, उमेश कुमार समेत काफी संख्या में बीएसएनएल अधिकारी और कर्मी मौजूद रहे। मेन मुद्दा तो हम लोगों का है पे रिवीजन, पेंशन रिवीजन, इसके साथ साथ है टीटीए का पद को समाप्त कर रहा है जेई का, अब तो टीटीए नहीं रहा, अब जेई रह गया, उन लोगों का पद को समाप्त कर रहा है, ऐसे और 6-7 मांग है लेकिन मेन यही 2-3 मुद्दा है, पेंशन रिवीजन, पे रिवीजन और जेई का पद का अथी करना, माने क्रिएट करना, पद को समाप्त कर रहा है जिसके लिए हम लोग इतना लड़ रहे हैं। और दूसरा हमारे यहाँ जो ई जी एम है सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है,
अभी 8 लाख रुपया रिकवरी होने जा रहा है इसका, और 8 करोड़ जो घोटाला किया था उसका पूरा सबूत हम लोगों को मिल गया है। सैप में पासवर्ड बदल बदल करके ही सबका स्टोर का भी खपत दिखाया है, और उसके साथ साथ फर्जी बिल भी पास करा करके ठेकेदार के थ्रू पेमेंट वेमेंट का बारा निरा। भागलपुर के बबरगंज पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर वाहन चेकिंग के दौरान एक टेम्पो से 138 बोतल विदेशी शराब बरामद किया है। इस दौरान पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को झारखंड की ओर से शराब तस्कर द्वारा शराब की खेप भागलपुर शहर में लाए जाने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने SIT की टीम के साथ अलीगंज चौक के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जहाँ एक टेम्पो में बने गुप्त तहखाने से पुलिस ने शराब बरामद किया। साथ ही पुलिस ने शराब लाने वाले तस्कर सूरज सिंह और मोहम्मद शमीम को भी गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ कर रही है, जिससे अवैध शराब कारोबार और शराब तस्कर से जुड़ी जानकारी का खुलासा किया जा सके। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर जिले भर में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। योग गुरु ने कहा, शरीर और मन स्वस्थ रखने के लिए योगाभ्यास जरूरी। TMDA के अधिकारियों ने करे योग रहे निरोग का दिया संदेश। NSS शिविर में दलित समाज की महिलाओं ने किया योगाभ्यास। भागलपुर पुलिस ने 2 डकैती कांड का किया उद्भेदन। लूटे गए सामान के साथ 8 अपराधी गिरफ्तार। पानी को लेकर हुए विवाद में बदमाशों ने युवक को मारी गोली, हालत गंभीर। और शिक्षक की मनमानी से परेशान ग्रामीणों ने प्रखंड मुख्यालय में दिया धरना। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।